हैं 54 आदमी निकाल चुके हैं। आज के हैं 54। अंदर जाके हम आवाज मार रहे हैं कि बाहर आओ, मगर कुछ लोग हैं जो अपने जानवरों के साथ बैठे हुए हैं, अभी वो निकलने को राजी नहीं है। सूचना मिल गई थी, अंदर गाड़ी घूम के आई है कि भाई जमुना का पानी आने वाला है, आप इस जगह को खाली कर दो, मगर पब्लिक नहीं मान रही, अभी नहीं मान रही क्योंकि अभी पानी इतना आ गया है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट जो टीम है ये लोग हैं, हम बात करते हैं इनसे। नाम क्या है आपका? हेड कांस्टेबल पवन कुमार से। पवन जी, परसों से रेस्क्यू जारी है, कितने लोग अभी तक निकाले गए हैं? 54 आदमी निकाल चुके हैं। आज गए हैं 54। और पिछले 3 दिनों में कितने लोग निकाले गए? पिछले 3 दिनों में हम रात को आए हैं अम्बाड़ा से। अच्छा, हाँ, हमारी टीम रात को आई है, जरा सुबह आई है। एक और एजेंसी भी है यहाँ पर, आप कहाँ, कौन सी एजेंसी? नेवल यूनिट से हैं, तिकोना पार्क से, नेवी वाले जो स्टाफ है हमारा। तो आप लोग जॉइंट ऑपरेशन कर रहे हैं? जी। अच्छा, हाँ, हम क्या बोलते हैं, कल आए हैं 10 बजे से, और क्या बोलते हैं, ये टाइम हो गया। लोगों को आप किस तरह से बता रहे हैं, सूचना दे रहे हैं, लोगों का क्या रिस्पांस है? अंदर जाके हम आवाज़ मार रहे हैं कि बाहर आओ, मगर कुछ लोग हैं जो अपने जानवरों के साथ बैठे हुए हैं, अभी वो निकलने को राजी नहीं है, मगर जिनकी जो निकल रहे हैं हम उनको लेके आ रहे हैं। तो आप उन्हें बता नहीं पा रहे क्या, कितना खतरनाक है, जल स्तर लगातार बढ़ रहा है? नहीं मान रहे, अपने जानवरों के साथ बैठे हुए हैं, नहीं आते वो। फिर प्रशासन के बाकी अधिकारियों को क्या सूचना नहीं दी गई कि उनकी जान को खतरा है? इनको 3 दिन पहले ही सूचना मिल गई थी, अंदर गाड़ी घूम के आई है कि भाई जमुना का पानी आने वाला है, आप इस जगह को खाली कर दो, मगर पब्लिक नहीं मान रही, अभी नहीं मान रही क्योंकि अभी पानी इतना आ गया है, मगर ये रात से अब जब ज्यादा पानी आ गया तो पब्लिक बोलने लगी भाई हमें निकालो, तो अब निकाल रहे हैं। अच्छा, कितनी रेस्क्यू बोटे हैं जो काम? हमारे पास नेवल यूनिट की एक ही है, अभी हमारे पास एक ही काम कर रही है, बाकी उधर कौन है वो हमारे पता नहीं है अभी। तो ये थे हमारे साथ वो लोग जो रेस्क्यू किए गए हैं, और जो यूनिट्स जो हैं, जो एजेंसीज SDRF हुई या जो नेवल NCC की जो नेवल यूनिट है, वो लोग काम कर रहे हैं, लगातार जा रहे हैं बाढ़ग्रस्त इलाके में और लोगों को बुला रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि कितना खतरनाक है। हालांकि इनका ये भी कहना है कि लोग नहीं मान रहे, अभी भी लोग, कुछ लोग जो हैं जानवरों के साथ बैठे हैं। तो यहाँ ज़रूरत है कि प्रशासन को दखल देने की, लोगों को समझाए अथवा उनके साथ थोड़ी ज़बरदस्ती करें, क्योंकि यहाँ उनकी जान को खतरा है। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।